दोस्तों क्या आप जानते हैं समंदर का राजा किसे माना जाता है? और क्या आप जानना चाहोगे कि समंदर में वो कौन सा जीव है जो समंदर के राजा को भी मात देने में सक्षम है? शार्क एक ऐसा जीव जिसे समंदर की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। अपने खूंखार स्वभाव और विशालकाय बॉडी की वजह से शार्क को बहुत ही खतरनाक मछली माना जाता है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शार्क और डॉल्फिन के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आपको किसी वीडियो में न मिले, क्योंकि इस वीडियो को अर्थ एडवेंचर की टीम ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। दोस्तों समंदर का कोई भी जीव शार्क से टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। शार्क के दांत इतने नुकीले और मजबूत होते हैं कि इंसान तो दूर वो लोहे की चादर को भी काट सकती है। शार्क की ताकत और दहशत को आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखा होगा। इंसान और छोटी बड़ी मछलियां तो दूर, एक बड़ी शार्क मछली हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी अपना शिकार बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समंदर की एक और मछली डॉल्फिन, जो कि शार्क के मुकाबले बेहद छोटी और मासूम होती है, फिर भी शार्क की पकड़ और रफ्तार को मात देती नजर आती है। समंदर की दुनिया में डॉल्फिन सबसे जीनियस मछली मानी जाती है, और यही वजह है कि डॉल्फिन अपने तेज दिमाग और चालाकी की मदद से शार्क मछली को अपने इर्द गिर्द घुमाती रहती है। रफ्तार के मामले में भी डॉल्फिन शार्क से कहीं आगे है। दोस्तों इसके आगे हम जो कहने वाले हैं वो सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है कि समंदर की रानी शार्क डॉल्फिन से बहुत ही ज्यादा डरती है, और इसकी वजह हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों शार्क और डॉल्फिन की लंबाई और बॉडी देखकर आप सोच रहे होंगे कि शार्क के लिए डॉल्फिन का शिकार करना तो चुटकियों का खेल है, लेकिन हकीकत इसके जस्ट उल्टी है। दोस्तों जिस तरह एक इंसान छोटे छोटे जहरीले कीड़े मकोड़ों से डरता है, ठीक उसी तरह समंदर की रानी शार्क भी छोटी और मासूम डॉल्फिन मछली से डरती है। डॉल्फिन की फुर्ती और लचीलापन, दोस्तों जिस तरह एक जिम्नास्टिक की बॉडी आम इंसान की तुलना में बेहद ही लचीली होती है, ठीक उसी तरह डॉल्फिन की मांसपेशियां बेहद ही लचीली होती हैं। शार्क के मुकाबले डॉल्फिन की हड्डियां भी बेहद लचीली होती है, इसीलिए एक डॉल्फिन मछली पानी में पूरी रफ्तार से तैरते हुए भी अपनी दिशा बदलने में सक्षम होती है। कुदरत ने डॉल्फिन की बॉडी को कुछ इस तरह सेफ किया है कि डॉल्फिन पानी में तेजी से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकती है। दोस्तों अगर आपने कभी गौर किया हो तो शार्क की पूंछ वर्टिकल शेप में होती है, जिससे शार्क मछली बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं बड़ी आसानी से मुड़ जाती है। लेकिन शार्क को तुरंत पानी में ऊपर से नीचे आना हो या फिर नीचे से ऊपर जाना हो तो उसे बहुत बड़े स्पेस की जरूरत होती है। मतलब शार्क मछली आसानी से ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए आपने शार्क को फिल्मों या फिर समंदर में अक्सर एक सीधी लाइन में चलते हुए देखा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक डॉल्फिन मछली एक वर्टिकल लाइन में नीचे से ऊपर और उसी लाइन में ऊपर से नीचे आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन की पूंछ हॉरिजॉन्टल शेप में होती है, इसीलिए डॉल्फिन मात्र कुछ ही माइक्रोसेकंड में अपनी दिशा किसी भी तरफ मोड़ सकती है और पानी के ऊपर कई फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है। दोस्तों एक डॉल्फिन मछली न केवल पानी के ऊपर छलांग लगा सकती है, बल्कि छलांग लगाते समय हवा में कई तरह के करतब भी दिखाती है। वो अपनी बॉडी को हवा में कई तरह से घुमा सकती है, जबकि एक शार्क मछली के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। दोस्तों जब कभी भी शार्क और डॉल्फिन का आमना सामना होता है तो डॉल्फिन मछली अपने रफ्तार से शार्क को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर देती है और अपनी तेज रफ्तार से शार्क के नीचे पहुंच जाती है, और फिर उसी रफ्तार से ऊपर आकर शार्क के पेट पर जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे शार्क को बहुत तेज दर्द होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक छोटी सी मछली की टक्कर से शार्क को क्या फर्क पड़ता होगा। दोस्तों आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक डॉल्फिन मछली पानी के ऊपर 15 से 16 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकती है, इसलिए डॉल्फिन की टक्कर बहुत दमदार होती है, और डॉल्फिन ऐसा एक के बाद एक कई बार करती है, जिससे आखिर में शार्क मछली डॉल्फिन से डर कर भाग जाती है। दोस्तों डॉल्फिन का मुंह एक छछुंदर की भांति पतला और लंबा होता है और बेहद ही मजबूत हड्डियों से बना होता है, और जब कभी भी डॉल्फिन अपनी पूरी ताकत से शार्क के पेट पर प्रहार करती है तो शार्क मछली के पेट की मांसपेशियां टूट जाती हैं, और जायज सी बात है कि इतने खतरनाक ठोकर खाकर शार्क मछली डर कर भागने पर मजबूर हो जाएगी। समूह में रहना,
डॉल्फिन मछली अपने पूरे परिवार के साथ समूह में रहना पसंद करती है, जबकि शार्क मछली अकेले रहना पसंद करती है। और जब कभी भी शार्क का आमना सामना डॉल्फिन से होता है तो एक साथ कई सारी डॉल्फिन मछलियां शार्क पर टूट पड़ती हैं, और कई बार बहुत सारी डॉल्फिन मछलियां मिलकर शार्क की जान भी ले लेती हैं। शार्क मछली डॉल्फिन मछली के अंडे और बच्चों को खा लेती है, इसलिए डॉल्फिन हमेशा से शार्क को अपना दुश्मन मानती है, और जब कभी भी उन्हें शार्क दिखाई देती है वो शार्क पर टूट पड़ती है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि संगठन में ताकत होती है, और इसलिए जब भी शार्क मछली डॉल्फिन पर हमला करती है तो बहुत सारी डॉल्फिन मछलियां संगठित हो जाती हैं, और फिर शार्क की ऐसी बैंड बजाती हैं कि मजबूरन शार्क को वहां से अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है। समंदर में शार्क के आकार का एक और जीव पाया जाता है जिसका नाम किलर व्हेल है, और किलर व्हेल भी डॉल्फिन प्रजाति की एक जीव है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि किलर व्हेल डॉल्फिन मछलियों के झुंड के आसपास ही पाई जाती है, और जब कभी भी शार्क मछली डॉल्फिन मछलियों के समूह पर हमला करती है तो किलर व्हेल भी डॉल्फिन मछलियों के समूह की सहायता करती है और शार्क को आड़े हाथों लेती है। किलर व्हेल का शरीर शार्क से बड़ा और भारी होता है। जीनियस मछली। दोस्तों, जिस तरह जंगल का राजा शेर को माना जाता है उसी तरह समंदर की दुनिया में शार्क का पत्ता एक तरफ चलता है, लेकिन डॉल्फिन को समुद्री दुनिया का सबसे होशियार और समझदार जीव माना जाता है। डॉल्फिन मछली को इंसानों का सबसे करीबी मित्र माना जाता है, और इसलिए कई बार डॉल्फिन ने समुंदर के अंदर इंसानों की जान भी बचाई है। डॉल्फिन सोनार जैसी एक खास तरह की तरंगे छोड़ती है जिससे वह अपने दुश्मन की आकृति और तादाद के बारे में ठीक ठाक आकलन कर लेती है और अपने समूह को बुला लेती है। डॉल्फिन की रफ्तार भी शार्क से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए अगर शार्क का हमला नाकामयाब रहा तो फिर डॉल्फिन शार्क के हाथ नहीं आती। दोस्तों, समूह में रहना डॉल्फिन की सबसे बड़ी ताकत है। अपनी रफ्तार और चालाकी से डॉल्फिन शार्क को पछाड़ने में कामयाब हो जाती है। जबड़े की ताकत। शार्क के जबड़े में 4000 दांत होते हैं और शार्क का बाइट फोर्स 4000 PSI होता है। अगर आप समझते हैं एक शेर के जबड़े से छूट पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है, तो हम आपको बता दें शार्क का जबड़ा शेर के जबड़े से 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन के मुंह में 80 से 100 दांत होते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन के जबड़े का बाइट फोर्स भी लगभग 4000 PSI होता है। बड़े जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से शार्क ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन डॉल्फिन का जबड़ा भी शार्क जैसा मजबूत होता है, और यही वजह है कि डॉल्फिन शार्क से टक्कर ले लेती है। दोस्तों, शार्क का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि एक बार अगर कोई जीव उसमें फंस जाए तो फिर तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसके 2 टुकड़े ना हो जाएं। लेकिन फिर भी कई बार समुद्र के किनारे शार्क की लाश पाई जाती है, और उससे साबित होता है कि डॉल्फिन के एक बड़े समूह ने मिलकर शार्क के ऊपर कई प्रहार किए जिससे शार्क की मौत हो गई। इसलिए शार्क डॉल्फिन से दूर रहना ही पसंद करता है। किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों, शार्क को समंदर की दुनिया का दैत्य कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि समंदर के भीतर किसी भी प्रकार के जीव को अपना शिकार बना लेती है। यहाँ तक कि समंदर के ऊपर उड़ने वाले परिंदों को भी ग्रेट व्हाइट शार्क अपने जबड़े में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन प्रजाति के सबसे बड़े जीव किलर व्हेल थोड़े शांत स्वभाव के पाए जाते हैं, लेकिन आकार और वजन में किलर व्हेल शार्क से भी बड़े और खतरनाक भारी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि जंगल में शेर से भी बड़े बड़े कई जानवर रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर को ही माना जाता है। ठीक उसी तरह ये खिताब ग्रेट व्हाइट शार्क ने अपने नाम कर रखा है। लेकिन अगर कभी किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क की फाइट होती है तो हर पहलू में किलर व्हेल आगे दिखाई देती है। किलर व्हेल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो पानी के अंदर किसी भी प्रकार के एटमॉस्फेयर में रह सकती है, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है। दोस्तों, अक्सर किलर व्हेल पानी के बाहर जाकर भी अपने शिकार पर अटैक कर देती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर कंडीशन में किलर व्हेल व्हाइट शार्क पर भारी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में व्हाइट शार्क किलर व्हेल को अपना शिकार बना सकती है। अगर किसी तरह किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़े में आ जाए तो फिर उसका मरना तय है, लेकिन किलर व्हेल की चालाकी और रफ्तार की वजह से वो कभी भी व्हाइट शार्क के जबड़े में नहीं आती। सन 1998 में दक्षिणी अफ्रीका के एक बीच पर ग्रेट व्हाइट शार्क मरी हुई हालत में पाई गई थी। इसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया कि समंदर के अंदर इस मरी हुई ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल के बीच फाइट हुई होगी,
और डॉल्फिन व किलर व्हेल ने मिलकर शार्क के लीवर पर कई प्रहार किए जिससे उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद हम अंत में कह सकते हैं कि शार्क डॉल्फिन समूह से न भिड़े तो ही अच्छा है, वरना फाइट उसकी जान पर भारी पड़ सकती है।